वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स बच्चों बताओ आप लोग सब कैसे हो और कैसी चल रही है तुम सबकी पढ़ाई होप यू गाइज आर डूइंग इट वेरी सीरियसली येस रिविजन करते रहो सारे पुराने चैप्टर्स जो हो गए एंड यू हैव टाइम प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग दो चैप्टर्स इज अ पॉइंट लिया बच्चों आज बच्चों में एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले बच्चों हम ऑफ एक्सचेंज आई नो तुम सबके लिए नाम जाना पहचाना है तुम सब ने ये चैप्टर इलेवन ट में पढ़ रखा है बट बच्चों एक बार ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस वीडियो में ध्यान से समझ के देखो और पढ़ के देखो यू विल जस्ट लव दिस चैप्टर आई नो मैक्सिमम बच्चे डू नॉट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकॉज तुम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि एंट्री कहाँ से आई कहाँ चलेगी फिर एंट्री कहाँ से आई कहाँ घूम गई बट प्लीज बच्चो दिस चैप्टर को एक बार इस वीडियो में पढ़ के देखना यू विल जस्ट लव दिस चैप्टर एंड इट विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर स्टार्ट दिस चैप्टर यस बिल्स ऑफ एक्सचेंज अ वेरी इजी चैप्टर बट आई रिक्वेस्ट ईच वन बच्चों की तुम इस चैप्टर पे ध्यान से मेरी एक एक बातों को सुनोगे स्टार्टिंग के पंद्रह मिनट जो मैं बातें करूंगी उसी बातों से तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मी स्टार्ट करते बच्चों देखेंगे। चलो पहले मैं सिनेरियो सेट करती हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब आता है उसके पहले का बैकग्राउंड सुनेंगे बच्चों कि उसके पहले क्या होता है कौन सा ट्रांजैक्शन आता है जिसके कारण बिल्स बाद में क्रिएट किया जाता है बच्चों अगर डायरेक्टली बिल्स पढ़ोगे बिना उसका बैकग्राउंड जाने बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये चैप्टर बट वंस आई टीच यू द बैकग्राउंड एंड द बैकग्राउंड इट सो बेसिक सो बेसिक एवरीबडी नोज अबाउट इट बस वो दोनों चीजों को ना कोरिलेट करके नहीं पढ़ते हैं बिल इशू कहता है वो डायरेक्टली वहां से चैप्टर को पढ़ते हैं बट क्यों इश्यू होता है उसको जाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरीबडी विथ मी तो बेटा पंद्रह मिनट का मैं सिर्फ एक वॉक थ्रू लूंगी आई टीच यू ट्रांजेक्शन हाउ इट्स स्टार्ट एंड हाउ इट्स एंड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एवरी वन विथ मी यस आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे सिंपल करते हैं बेटा सिंपल सीन लेंगे सिचुएशन भी बहुत सिंपल लेंगे सबको पता है चलो एक छोटा सा हम डायग्राम बनाएंगे यहां पर एक शॉपकीपर है इसका नाम है राम बेटा शॉपकीपर क्या है बेटा राम प्लीज मैं नाम के थ्रू समझा रही हूं इजी होगा फिर मैं इसकी कैटेगरी तुमको बताऊंगी कि राम कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है और दूसरा शॉपकीपर भी है या बेटा शॉपकीपर नहीं बोलना है तो बच्चों तुम इसको कस्टमर बोल दो ताकि तुम्हारे लिए इजी रहेगा यस यस एवरीवन या मे बी बच्चों तुम्हारे तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से तुमको जैसे बोलना यू वॉन्टेड टू बी अ कस्टमर टू बी अ शॉपकीपर अपर यहां पर बैठा है मोहन सारे बच्चे ये बंदा डील करता है गुड्स विच विच आर आ क्लोथ्स ही डील्स इन अ गुड्स एंड दोज गुड्स आर क्लोथ्स ही डील्स इन अ गुड्स एंड दोज गुड्स आर क्लोथ्स ही डील्स इन अ गुड्स एंड दोज गुड्स आर क्लोथ्स सिर्फ तुमको समझाने के लिए अब ध्यान से सुनेंगे पहली एंट्री मोहन आया राम के पास कौन आया बेटा राम के पास मोहन आया राम के पास कपड़े खरीदने को यस yes. राम ने वो कपड़ा किसको बेच दिया मोहन को राम ने वो कपड़ा किसको बेच दिया मोहन को एवरीबडी तो सिर्फ क्विकली बताना बेटा किसके लिए सेल्स है किसके लिए परचेज है राम के लिए क्या बेटा ये सेल्स और मोहन के लिए क्या बच्चों ये परचेज तो चलो मैं लिखूंगी राम के लिए बच्चों क्या है सेल्स और मोहन के लिए क्या है बच्चों परचेज जो माल बेचता है उसके लिए वो चीज क्या होती है सेल्स। जो माल खरीदता है है उसके लिए वो चीज क्या होती परचेज एवरीबडी नोज अबाउट इट यस अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे राम ने माल मोहन को बेचा राम ने माल मोहन को बेचा मान लो ये माल कैश में बिका है कैश में मतलब मोहन ने कैश दिया और राम से माल लिया इसका मतलब ट्रांजैक्शन इमिडिएटली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया बच्चों कंप्लीट ट्रांजैक्शन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो गया बच्चों कंप्लीट यस एवरीबॉडी नोज अबाउट इट चलो मोहन ने राम को कैश दिया तो बताओ राम के पास क्या आया बच्चों कैश कैश क्या है असेट बिजनेस में असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज इंक्रीज जब असेट इंक्रीज होता है हम क्या करते हैं डेबिट तो बताओ क्या एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट यस यस किस से आया मोहन से बट किस रीजन से आया बिकॉज उसने माल बेचा है किसने राम ने और किसने खरीदा है मोहन ने तो मोहन ने क्या किया बेटा पेमेंट दिया मोहन ने क्या किया पेमेंट दिया बट मुझे बताओ एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हो राम के बुक्स में तो सोचोगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से राम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ राम के पास क्या आया कैश राम के पास क्या है कैश कैश उसके लिए क्या है असेट कैश उसके लिए क्या है असेट असेट क्या हुआ है बेटा इंक्रीज असेट क्या हुआ बच्चों इंक्रीज असेट क्या हुआ बच्चों इंक्रीज।, इंक्रीज अब दोबारा सोचेंगे कौन सा खाता क्रेडिट होगा ये भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है राम किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हो राम तो सोचेंगे भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से राम मुझे बताओ राम का कैश क्यों बढ़ा बिकॉज उसने माल बेचा किसको बेचा मोहन को बट सारे बच्चे ध्यान देंगे जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है जब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाता है कौन सा बंदा इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती हमें वो हमें बिल्कुल भी जानना नहीं है यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट है हमारे पास कैश आ गया किस रीजन से आया हमने माल बेचा हमारे लिए सेल्स क्या बच्चों इनकम इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है क्रेडिट तो सेल्स भी क्या होगा बच्चों क्रेडिट तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों टू सेल्स रीजन बताओ इनकम इंक्रीज इनकम इंक्रीज इनकम इंक्रीज मोहन का नाम यहां कहीं पर भी नहीं आया रीजन भी हम सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था सेल्स और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया बिकॉज हमको इमीडिएटली क्या मिल गया कैश वंस वी इमीडिएटली गेट अ कैश हम आगे ट्रांजेक्शन को देखते ही नहीं है किससे हुआ किससे नहीं हुआ हम सिर्फ देखते हैं हमारे पास क्या आया कैश और क्यों आया सेल्स का बस यही देखना होगा मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन के पास से क्या निकला कैश कैश क्या होता है बेटा असेट नेचर तो हमेशा सेम ही रहेगा बट मुझे बताओ असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज मोहन के पास से असेट क्या हुआ डिक्रीज मोहन के पास से असेट क्या हुआ बच्चों डिक्रीज मोहन के पास से असेट क्या हुआ डिक्रीज कौन सा असेट कैश अट इंक्रीज होता है तो डेबिट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट बच्चों मैं तुमको जर्नल एंट्रीज भी साइमिलियसली सिखाती जा रही हूं कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं इज इजा पॉइंट क्लियर आई नो मोस्ट ऑफ देम को ये जर्नल एंट्रीज आती होगी बट अ क्विक रिविजन फॉर हु इज रियली बैड एट जर्नल एंट्रीज इज इजा पॉइंट क्लियर बच्चों अब मोहन ने ये पैसा क्यों दिया शौक से बांटेगा क्या नहीं उसने क्या किया गुड्स परचेस किया हम कभी भी गुड्स अकाउंट बुक्स में यूज नहीं करते हैं बेचने वाला उसके बदले में क्या बोलता है सेल्स खरीदने वाला उसके बदले में क्या बोलता है परचेज परचेज क्या होता है एक्सपेंस किसके लिए जो खरीद रहा है परचेज इज एन एक्सपेंस सेल्स इज एन इनकम तो मुझे बताओ मोहन का खर्चा बिजनेस में बढ़ा या घटा बढ़ा तो जब भी खर्चा बढ़ता है एक्सपेंस इंक्रीज होता है हम उस खाते को क्या करते हैं डेबिट यहां एक्सपेंस खाता क्या है बच्चों परचेज हम किस खाते को डेबिट करेंगे परचेस एवरीबडी तो बेटा ये ट्रांजेक्शन कब होगा वेन द ट्रांजेक्शन हैज बिन डन इन कैश जब हमने ट्रांजेक्शन किसमें किया बट कैश में बट प्लीज अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं इस पूरे चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डे वन से याद रखना कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीन में आएगा कैश ट्रांजेक्शन में बिल्ड ऑफ एक्सचेंज सीन में नहीं आ सकता बिकॉज ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी क्या बच्चों सेटल्ड है ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी क्या बच्चों सेटल्ड है सेटल्ड ट्रांजेक्शन में जहां आप कुछ पैसा लेना बाकी नहीं है या देना बाकी नहीं है वहां बिल्ड ऑफ एक्सचेंज कभी भी सीन में नहीं आएगा तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे सारे बच्चे इंपॉर्टेंट नोट वेन सेल्स एंड Purchase transactions are immediately settled in cash. There is no concept of bills of exchange. applicability there is no concept of bills of exchange applicability bills of exchange को short में बेटा हम पूरे चैप्टर में boe बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बच्चों boe पॉइंट समझ आया सारे बच्चों को तो याद रखा बच्चों इस पूरे चैप्टर में कैश transactions पोस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इश्यू तभी होता है जब उधार ट्रांजेक्शन है इसका मतलब ये एंट्री कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुमको मिलेगी नहीं तो डे वन से तुमको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट देयर, देर विल ऑलवेज बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आई एम वेरी मच क्लियर टू ईच वन एवरी वन

कि कोई भी बच्चों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैम कैश ट्रांजेक्शन हुआ चलो अब इसको थोड़ा सा मैं इलेबरेट करूंगी एंड वॉन्ट फोकस नाउ दिस इज दिसन टेन मिनट बचो दस मिनट बस सुनो मेरी बात आगे का चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा मेरा बेसिक लेक्चर्स ऑफ एवरी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिर से मैं वापस से दो नाम लिख रही हूं राम मोहन ठीक है अब हम नाम इजी आइडेंटिफाई हो गया प्लीज ये याद रखना पूरे एग्जाम्पल में हम क्या नाम रखेंगे राम एंड मोहन राम ने क्या किया माल बेचा. राम ने क्या किया? माल बेचा बेचा तो राम राम ने ने क्या 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 किया किया तो के लिए क्या है बच्चों ये सेल्स मोहन ने क्या किया? उसके लिए सेम ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों परचेज ठीक है मैं वैल्यू भी लिख देती हूं तुम्हारे लिए मान लो एक लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है कितने का हुआ है बच्चों एक लाख का ट्रांजेक्शन एवरीवन अब हुआ क्या मोहन आया राम के पास राम भैया राम भैया माल खरीदना है मुझे राम खुश ले लो ले लो कितना माल खरीदना है खरीदो खरीदो हमें अच्छा है यू नो वो तो अंदर से बहुत खुश होगा अच्छा है मेरा माल बिक रहा है मुझे, मैं कुछ कमाऊंगा तो राम बहुत खुश है एकदम खुश है खुशी के मारे वो कह रहा है बताओ कौन सा स्टॉक दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ कौन सा कपड़ा दिखाऊ कॉटन चाहिए लिनन चाहिए सिंथेटिक चाहिए क्या चाहिए मोहन कहता है हाँ हाँ ये दिखाओ वो दिखाओ मोहन ने सारा सारा आइटम जो उसको खरीदने का मन था साइड कर दिया और उसने राम को बोला प्लीज इसकी बिलिंग करो क्या करो बच्चों इसकी बिलिंग राम ने बिल कर लिया और पूरा बिल अमाउंट कितना क्लियर करके दिया उसने दिया उसने लाख लाख कितना लिख के दिया जैसे ही राम ने बिल मोहन को पकड़ाया मोहन कहता है राम से राम भैया मैं पेमेंट अभी नहीं दे सकता मुझे ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में चाहिए ये ट्रांजैक्शन किस में चाहिए क्रेडिट में क्या बोला मैंने कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओ माय गॉड कौन सैड हो जाएगा अब राम बेचारा सैड शिट, मैंने सोचा था मैं कितने पैसे कमाऊंगा उस पैसे से घूमने जाऊंगा बट अभी तो ये पैसा ही नहीं आना बिकॉज मोहन ये ट्रांजेक्शन किस में मांग रहा है क्रेडिट में मैंने भी कहा चलो बंदा अच्छा है मोहन उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी है आज तक कभी देखा नहीं है मोहन को बुरे काम करते हुए आज तक हमने कभी सुना नहीं है कि मोहन ने किसी का पैसा लेके छोड़ दिया और वापस कभी नहीं किया तो राम ने भी सोचा चलो आज नहीं तो तीन महीने बाद घूमने जाएंगे तो उसने राम ने एक बार फिर से मोहन से पूछा आपको कितने महीने का क्रेडिट पीरियड चाहिए मोहन ने पूछा आपका टर्म्स क्या है बिजनेस का मोहन ने क्या पूछा जनरली आप कितना क्रेडिट पीरियड देते हो बेटा ये सब मैं स्टोरी सुना रही हूँ ये सब एग्जाम में दिया हुआ रहेगा सिर्फ ज्यादा तुम्हारा ध्यान इसकी तरफ खींचने के लिए मैं सारी बातें कर रही हूं ताकि तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट हो कि अच्छा आगे क्या मोहन ने बोला भैया आप कितने तक का क्रेडिट पीरियड देते हो राम कहता है मैं तीन महीने से ऊपर का तो नहीं देता बिकॉज मेरी पॉलिसी वही है तो मोहन ने कहा चलो मुझे माल क्रेडिट में बेचो और मेरा क्रेडिट पीरियड कितना कर दो थ्री मंथ्स क्रेडिट पीरियड कितना कर दो बच्चों थ्री मंथ्स माय गॉड मोहन खुश हो गया बट राम भी बहुत होशियार है अभी इसमें एडिशनल कंडीशंस ऐड होंगे बट फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रही हूं लॉट एंड लॉट ऑफ कंडीशंस एंड देयर बाय यू विल बी कंप्लीटली क्लियर क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा मैं क्या कॉन्सेप्ट तुमको बताना चाह रही हूँ बट प्लीज याद रखना इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आएंगे दिस इज नॉट द ओनली केस इसमें मैंने दो पॉइंट से सिड किया पहला क्रेडिट ट्रांजेक्शन है दूसरा क्रेडिट पीरियड होगा तो ये सारी बातें तुमको सम्स में मिलेगी क्या होना जरूरी है बच्चों क्रेडिट ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब रहेगा तो उसके बाद क्या दिया रहेगा बच्चों? क्रेडिट पीरियड क्या दिया रहेगा क्रेडिट पीरियड चलो सबको सिंपल रखते हैं एवरीवन